हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है चाइना ग्रास। ये वेनिला फ्लेवर का है। हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल कलर का यूज़ किए हुए। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमने हाफ लीटर दूध लिए है। दूध को पहले अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। ये देखिए दूध गरम हो रहा है। दूध को हम ये साइड से मलाई निकालते हुए गरम करेंगे। दूध गरम हो गया, अभी हम इसमें चाइना ग्रास डालेंगे। यहाँ पर हमने चाइना ग्रास वेनिला फ्लेवर का लिए हुए, वैरायटी कंपनी का। गरम हो गया, अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके चाइना ग्रास का पाउडर डालेंगे। हमें हाफ लीटर के लिए ये एक पैकेट यूज़ करना है। अभी हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए रहेंगे। हमें इसे 2 से 3 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए ये अभी अच्छी तरह से रेडी हो गया। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 2 बाउल लेंगे, इसके अंदर हम ये जो चाइना ग्रास बनाएंगे ये थोड़ा सा डाल देते हैं। इसमें अभी हम चुटकी भर ये डालेंगे, कलर डालेंगे। यहाँ पर हमने ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर का यूज किए हुए। ये देखिए ये दोनों कलर अच्छी तरह से रेडी हो गए, ये पिस्ता कलर और ये पीच कलर। अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमने प्लेट में इसे सेट कर लिया। अभी हम इसमें बादाम डाल देते हैं। अभी हम इसे ठंडा होने के लिए आधे घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देते हैं, उसके बाद चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुका है, ये अच्छी तरह से सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसके पीसेस कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका पीस कट करके निकाले हुए। आप इस तरह से कट करके, ये खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। ये लीजिए फ्रेंड्स, चाइना ग्रास रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपके कमेंट हमारे यूट्यूब चैनल खाना पकाना पर ज़रूर भेजिए।
और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।